अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान के रोज़े? आज मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन काठी रोल और चना चाट। चलो देखते हैं, आपको रेसिपी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सबको रमज़ान मुबारक बोलो। रमज़ान मुबारक, तो लव यू गाइस। क्यूट गर्ल। सो गाइस, आज मैं आ गया हूँ घर जल्द, क्योंकि काम हो चुका था जल्दी से ख़त्म, और अब मैं आ चुका हूँ और अब देखेंगे रोज़ीना कैसे बनाती है काठी रोल। लेट्स गो एंड सी। अब पहले डालेंगे ऑयल, प्याज और टमाटर चॉप करके रख दिए। पर ये सब बोनलेस चिकन मिलता है, तो ये मैं रेडीमेड लेके आई हूँ। वहाँ पे इंडिया में तो नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आप चिकन बोनलेस लेकर उसको मिक्सी में पीस लेंगे। ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना है और ज़्यादा भी ऐसा कच्चा भी नहीं रखना है, मीडियम रखना है। प्याज थोड़ा नरम करना है, दो बड़े प्याज आपको अपने हिसाब से लेना है। मैं डालेंगे नमक, आपको आपको टेस्ट के हिसाब से डालना है। कितनी टीस्पून है? मैंने 2 टीस्पून डाली, लेकिन आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। क्या हमेशा मेरे को बोलते हैं उनको मैगी बना के खिलाऊंगा, अभी तक नहीं पीना। अच्छा, खिलाऊंगा ना, पक्का खिलाऊंगा कभी। हो बहुत जल्द मैंने कभी कहा तुमको मैगी खिलाऊंगा? बोलना, इधर देख के बोलो। एक चीज मेरे को बता दो, तुम्हें चाय बनाना किसने सिखाया? यहाँ देख के बोल दो। बोलो, कौन सिखाया? पहले ये बोलो, ये तो हम खुद सीख गए गल्फ में रह के। अब तुम बताओ, गल्फ अच्छा है ना? क्या अच्छे खासों को बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। तो रोज़ीना कुछ कहना चाहती है एक्चुअल में? क्या मेरे को सब आता है बनाने के लिए, बस मेरे को चाय कुछ नहीं आता नहीं है, झूठ बोल रही है, ये सब मैंने सिखाया है। कुछ भी सिर्फ एक चाय बनाने में। अब ये प्याज इतना आपको चाहिए नरम करने का, ये हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट, या आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। अगर आपको तीखा चाहिए तो ज़्यादा डालें, अगर आपको कम तीखा चाहिए तो कम डालें। ठीक है, मैंने इसकी स्पून कम डाली। बस ये मैंने बस 2 स्पून डाल दी। बस डालना है टमाटर चॉप, हल्दी, 1 स्पून लाल मसाला, रेड चिली पाउडर, अब इसमें हम डालेंगे चिकन कीमा। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही कीमा मतलब पतला हो गया, लेकिन अपन जो घर में बनाते हैं ना, जो मैं घर में बनाती हूँ, वो थोड़ा ऐसा मोटा मोटा रखती हूँ। अब भी आपको जैसा पसंद है आप वैसा बना सकते हैं, पर मोटे में थोड़ा मोटा रहता ना, उसमें थोड़ा अच्छा रहता। चलो हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। जितना आप धनिया से ज़्यादा डालोगे उतना अच्छा टेस्ट आता है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो आप घर में भी बना सकते हैं, इसको ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए नहीं तो कड़वा हो जाएगा। मैंने अंडा फेंट के इसके पतले पतले ऐसे बना दिए और कटिंग कर ली हूँ। और ये मैंने ऑलरेडी मैदे का डो बना के रखा हुआ है, और ये लगती है इसको चीज़। और ये अपना बना हुआ बैटर, अब मैं आपको एक बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। इसको अपना कितना आटा लेना है,
और इसकी पतली रोटी बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं। इसको रोटी बनाना मैंने सिखाया राउंड राउंड, सब तुमने सिखाया मेरे को, मेरे को इसको आता नहीं था, कुछ भी कुछ नहीं आता था, मेरे को सब इन्होंने सिखाया। नहीं खुश होना तुम? बहुत। क्या? मैं बहुत खुश हूँ। खुश 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 ये खुशी का राज क्या है? मेरे खुशी का राज है मेरे हस्बैंड। हाँ, सुबह को नाश्ता बनाओ, फिर चाय बनाओ, फिर घर में खाना बनाओ, रात में खाना बनाओ, फिर चाय बनाओ। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत। देखो ऐसा ये अंडा है, रोटी बनाने की पतली, फिर उसके ऊपर एक अंडा डाल देने का, और फिर जो हमने एक बैटर बनाया है वो मतलब रैप बनाया है, कीमा रैप, चिकन काठी रो। और फिर अगर आपको चीज़ ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा चीज़ पसंद है, मोटे हो जाते हैं ये खा के। नहीं मोटे की बात नहीं, फिर वो मीठा मीठा लगता है, मेरे को स्पाइसी पसंद है। फिर इसको ऐसा फोल्ड करना है। ओके 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 यार, यू आर वेरी टैलेंटेड यार, क्या बात है, क्या बात है। इसको एकदम टाइट फोल्ड कर देना। माशाल्लाह माशाल्लाह, हो गया आपका चिकन काठी रो। अब इसको हम थोड़ा सा शेप देना है, हो गया आपका चिकन काठी रो। वाओ, दैट आपका चिकन काठी रो रेडी है। अब इसको सिर्फ फ्राई करना है, हो गया। हम लोग बना रहे हैं चना चाट। ओके, ऐसे चना बटाटा चना चाट हर कोई बनाता है, पर ये मैं कुछ थोड़ी अलग तरीके से बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। पहले हम डालेंगे ऑयल, फिर हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता, जीरा, फिर डालेंगे प्याज जो हमने ऑलरेडी चॉप करके रखा हुआ है, 2 टेस्पून नमक। ओके, अगर आपको नमक ज़्यादा चाहिए, आपको आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है, फिर हरी मिर्ची ज़्यादा नहीं, फिर आपको डालना है टोमेटो, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, फिर हम डालेंगे चने जो ऑलरेडी हम लोग ने बॉईल करके रखे थे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, वन टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, और ये है इमली का पेस्ट। सो फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं सारा सेंटर जो शारजा में है, रोजीना को लेकर थोड़ा घुमाने के लिए। तो अंदर जाएंगे और देखते हैं कैसा है सारा सेंटर। चलिए मिलते हैं, लेट्स गो। चलो गाड़ी लॉक कर दूं? हाँ यार, पार्किंग डालना है मुझे, यहाँ पार्किंग डालना है, लेकिन अभी हम ऑनलाइन डाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। फ्रेंड्स, हम ये वॉकिंग ब्रिज से जाएंगे सारा सेंटर जो है हमारे सामने। ये है सारा सेक्टर, वो है सारा हेल्थ केयर सिटी, और ये है सारा सेंटर जो है हमारे सामने। तो चलिए हम यहाँ से जाते हैं। क्या कितने फ्लोर है टोटल, मुझे भी नहीं पता। तो ये व्यू है ब्रिज के ऊपर से, माशाल्लाह। हमारी गाड़ी खड़ी है नीचे, चलो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है सारा सेंटर शारजा में, इसमें सारी चीज़ें मिलेगी आपको। वाओ, दैट्स कार इज सो अमेजिंग। हाउ देख सकते हो हमारे पीछे इतनी ब्यूटीफुल सी गाड़ी है। अब जाएंगे, देखते हैं यहाँ आगे क्या है। तो
बोल रहे हो ब्यूटीफुल सी वाइफ। चलो जल्दी 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 कौन सा ऑफर है? रोजीना क्या कर रही हो? क्या कर रही हो रोजीना? चाहिए? देख रही ओके। सारा सेंटर में इतने अच्छे कलेक्शंस तो आए नहीं ईद के लिए, तो ईद से पहले हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। और अभी हम जाते हैं जाफर भाई बिरयानी किंग जो है दुबई करामा में, और जाएंगे और कुछ खाएंगे इंशाल्लाह। और ये जाफर भाई बिरयानी तो बहुत फेमस है मुंबई में, हर किसी को पता है, इंडिया में लोगों को पता है ऑलमोस्ट। तो चलो जाएंगे और देखते हैं हम हमारी कार ऑन। क्या खाना है? बिरयानी। बिरयानी बिरयानी ओके बिरयानी खाना है इसे बिरयानी। अब ये रोड है शारजा से दुबई, ऑलरेडी हम दुबई के अंदर ही है, ये बॉर्डर है, ये है सालिक का टोल गेट, जैसे इंडिया में होता है फास्ट ट्रैक, क्या होता है फास्ट टैग, वैसे अल मंजर का ये सालिक टोल गेट है। अभी हमने यहाँ से क्रॉस कर लिया, ऑलरेडी फोर ड्रम कट चुके हैं मेरे ये टैग में से, और अब हम जा रहे हैं करामा। तो ये है जाफर भाई रेस्टोरेंट, द बिरयानी किंग ऑफ मुंबई। तो अंदर जाएंगे और देखते हैं इनके पास क्या क्या है स्पेशल। आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसा इंडिया की फीलिंग आ रही है। फीलिंग कैसी आ रही है? ऐसी ऐसी आ रही है, ऐसी 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 आ रही है। देखो ये कुछ क्या, ये ऑनियन को इसमें तल के खा रही है, बोलती है पावर्स का ट्रेंड है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है हैशटैग पावर्स। है क्या? नहीं शादी में बिरयानी नहीं खाए थे ना जाफर भाई की बिरयानी थी हम लोग की शादी में। किसकी? जाफर भाई की थी ना, जाफर भाई की बिरयानी थी ना हम लोग की शादी में, एंगेजमेंट में भी थी। हम लोग ने नहीं खाए थे ना, इसके लिए अभी खाने है ना। हाँ भाई, ये है यहाँ का जाफर भाई का सीख पराठा, इसे भी ट्राई करेंगे। और ये है यहाँ की चटनी इनकी, बहुत दिन से दिल में आया था मेरे, तो चलो ट्राई करते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। रोजीना टेस्ट कैसा है इसका? बहुत अच्छा है। मस्त है। जाफर भाई की चिकन बिरयानी कैसी लगी? मुझे मीनारा मस्जिद जाने का बहुत दिल कर रहा था, तो इन्होंने मुझे लेकर आए दुबई का मीनारा मस्जिद मुंबई जलेबी और क्या सॉरी जे जे जलेबी। हाँ। रात के बज रहे एक और हम हैं यहाँ पर, देखो सारी चीजें ओपन है दुबई में, और क्योंकि रमजान का महीना है, नहीं तो मोस्टली ये 11-12 बजे तक सब बंद हो जाता है। वो है चाट बाजार, पढ़ाई इस पर दिख रहा नहीं है मुंबई का, इसमें इतना लाइट मार दिया। हाँ चाट बाजार फोकस। ओके चलिए जाएंगे, यही आगे जो लाइट दिख रही है मुंबई का, हाँ पीछे बैक साइड पर है, ये सब बम्बई के है ना। देख सकते हो आप, ये है जे जे जलेबी के बाहर की रश, ये तो मुंबई के जे जे जलेबी से भी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब वहाँ पर भी, वहाँ तो खड़े खड़े रोड पे छोटा सा फुटपाथ है उस पर खाते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत सिस्टमेटिक है। और पब्लिक देखो, एक भी टेबल खाली नहीं है, सब फुल है, फुल है, फुल फुल। तो ये है जे जे जलेबी दुबई का, चले जाएंगे और देखते हैं। यहीं पे खाओगी तो चलो खा लो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा पेट फुल है एकदम।
जाफर भाई ने, जाफर भाई के मैं एकदम पेट भर के खाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा बात कर रहा था कौन जलेबी वाला? हाँ बोला भाई पैसा, भाई पैसा आ गया ला भाई दे दो जलेबी। एक पल के लिए मेरे को ऐसा लगा कि मैं बम्बई में ही हूँ, टाउन में। जो स्लैंग यूज किया बात, ऐसा लगा मेरे को कि मैं बॉम्बे में ही हूँ। सही है यार, सब बम्बई की पब्लिक ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बम्बई में है ना। अपन मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग खुश रहो, हंसते रहो, प्यार बांटो, मिलजुल के रहो, और हम आपको दुआ में हमेशा याद रखते, अब भी हमको याद रखो, और जलेबी खाओ, जलेबी खाओ। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापस।